आज सब लेट हो गए हैं, है ना। 4 बजे हम स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी टीचर आती है उनको 4 बजे का पता है, वो 4 बजे आएगी। तो कोशिश क्या करें, फ्राइडे को 4 बजे यहाँ पर हो, सही है। अच्छा, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो वाक्य बताने जा रहे हैं, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, सही है। हम हज़रत इब्राहिम की एक वाक्य उनका पहले भी सुना चुके हैं। जब हज़रत इब्राहिम को क्या हुआ था, जब वो पैदा हुए थे और उनकी वालदा ने उनको एक पहाड़ों के अंदर आग में छुपा के रखा था, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा किया था कि वो बहुत तेज़ी से बड़े हुए थे। 1 महीने में जितना बच्चा बड़ा होता है ना, वो 1 साल में इतने बड़े हुए थे। याद है, ये सारा वाक्य हमने बताया था। और फिर उन्होंने मुकाबला किया था नमरूद से, है ना। उस ज़माने का जो बादशाह था, जो अपने आप को खुदा कहता था, उससे मुकाबला किया था। आज जो हम आपको बात बताएंगे, वो उनकी ज़िंदगी का एक और अहम वाक्या है। वो क्या है, आपको खलीलुल्लाह कहा जाता है, पता है। हज़रत इब्राहिम का लक़ब क्या है, खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। खलील का मतलब होता है दोस्त। अल्लाह उनको इतना पसंद करता था कि उनको अपना दोस्त कहता था। उनकी बहुत सारी अच्छी आदतें थीं। एक अच्छी आदत मसलन ये थी कि वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे। जब भी उनको खाने की कोई चीज़ मिलती थी, लंच डिनर कोई चीज़ मिलती थी, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो वो हमेशा किसी को ढूंढ के लाते थे, अपने पास बिठाते थे, उसके साथ पहले उसको खिलाते थे, खुद खाते थे, इस तरीके से खाते थे, कभी भी अकेले नहीं खाते थे। लेकिन एक और अहम वाक्य उनकी ज़िंदगी का है, जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, आज बयान करना चाह रहे हैं। वो क्या है, वो ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब क्या था कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, याद है। हाँ, याद है ना, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ख्वाब में देखा, उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, है ना। उन्होंने ख्वाब में क्या देखा था कि वो अपने बेटे को, अपने बेटे का क्या कर रहे हैं, ज़िबह कर रहे हैं बेटे को, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, है ना। जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते हैं, ईदुल अज़हा होती है, बकरीद होती है, जिसमें हम कुर्बानी करते हैं जानवरों की, है ना। उन्होंने ख्वाब देखा था कि वो अपने बेटे का गला काट रहे हैं, उसको ज़िबह कर रहे हैं। अगर हम कोई ऐसा ख्वाब देखें, आप देखें, मैं देखूं, कोई और देखे, वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसने ख्वाब में देखा कि वो एक चूज़ा है छोटा सा, उसको पानी चाहिए, वो कह रहा है चूँ 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 चूँ, है ना, हम उसको पाँव के नीचे रख के उसको मार दें। अगर हमने ख्वाब में देखा और हमको कोई बाकी चूज़ा नज़र आ गया, हम क्या, हमने ख्वाब में देखा था इसको मार देंगे, हम नहीं ये कर सकते। लेकिन इमाम का या नबी का जो ख्वाब होता है ना, वो सच्चा होता है। अल्लाह ताला ख्वाब में उनको कुछ काम देता है जो उनको करने होते हैं। अब आप सोचें कि ये कितना मुश्किल काम है कि एक इंसान अपने बेटे को जानवर की तरह काट दे, है ना। ये बहुत मुश्किल बात है, ज़िबह कर दे। लेकिन वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, है ना, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने जो आपसे कहा है आप वो कीजिए, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुश हूँ इस बात पे। उन्होंने कहा कि सही है, ऐसे ही करते हैं। वो हज़रत इस्माइल को लेके अपने साथ गए, उनको वहाँ पे लिटाया और फिर क्या किया, वो छुरी लेके गए थे तेज़ करके कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है ख्वाब में, मैं ये करूँगा, है ना। आंखों पे पट्टी बांध दी और उन्होंने हज़रत इस्माइल को जैसे, हाँ, उन्होंने ज़िबह कर दिया।
लेकिन जब पट्टी हटा के देखा तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह एक गुम्बा भिजवा दिया था, एक बकरा, है ना, और उन्होंने उसके गले पे छुरी फेरी थी। हजरत इस्माइल पास खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, है ना। तो उनको पता चल रहा कि अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा था कि मैं सबसे कीमती चीज जो मेरे पास है वो अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकता हूँ, अल्लाह की राह में दे सकता हूँ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये साबित किया कि हाँ, अल्लाह मुझसे जो भी मांगेगा, अगर मेरी औलाद भी मांगेगा तो मैं क्या करूँगा, उसको दे दूंगा अल्लाह की राह में। बस क्या हुआ, अल्लाह ने, अल्लाह को ये नहीं चाहिए था कि हजरत इस्माइल ज़िबा हो जाए, अल्लाह बस ये चाहता था कि वो हजरत इब्राहिम का इम्तिहान ले। और हजरत इब्राहिम इस इम्तिहान में क्या हुए, फेल हुए या पास हुए? हजरत इब्राहिम पास, है ना, उन्होंने 100% मार्क्स दिए उन्होंने। लेकिन हम अगर कोई ख्वाब देखें ऐसा, हम उस पे अमल नहीं कर सकते, आम लोग सिर्फ इमाम या नबी कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला का मकसद ये था कि वो उनका इम्तिहान ले। लेकिन अल्लाह ताला ये इम्तिहान हमसे भी लेता है ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत पसंद होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है, ये चीज़ अल्लाह की राह में दे दो, है ना। हमारे पास कुछ पैसे हैं, कोई ज़रूरत है किसी आदमी को, मैं कहूँ नहीं ये पैसे तो मेरे हैं, मैं तो किसी को नहीं दूंगा, लेकिन जब हम देखें कि किसी को ज़रूरत है तो उसमें से कुछ पैसे दे दें, अल्लाह ताला इससे खुश होगा, है ना। हमारे पास खाने की कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, है ना, मेरे पास तबर्रुक है 3-4, किसी के पास नहीं है, किसी को चाहिए खाने की कोई चीज़, मैं उसमें से कोई चीज़ दे दूँ, तो इससे क्या होगा, अल्लाह ताला खुश होगा, है ना। हज़रत इब्राहिम की इस कहानी का मतलब यही है कि हम ये बात सीखें कि अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो हम शेयर करें दूसरों के साथ, है ना, हम क्या करें, दूसरों को दें ताकि अल्लाह ताला खुश हो, सही है। और अल्लाह ताला खुश होगा कि जब अल्लाह ताला खुश होगा कि जब क्या करेंगे, हम खुदा की बात को भी मानेंगे और वो ये देखेगा कि हम चीजों को दूसरों को भी बांटते हैं, है ना। तो हम सब क्या करें, कोशिश करें जिंदगी में कोई भी चीज है अपने बहन भाइयों को दें आराम से, नाराज होके नहीं, लो ये ले लो तुम, और बुरा क्या है, हम बुरा भला कह रहे हैं, नहीं नहीं ये बहुत बुरा है, उसने मुझसे बिस्किट ले लिए, उससे मुझसे टॉफी ले ली, खुशी खुशी दे दें, मेरे पास ज़्यादा है तुम ले लो, है ना। किसी के पास कोई कपड़े ज़्यादा हैं, किसी के पास खाने की चीज़ ज़्यादा है, किसी के पास पैसे हैं, एक दूसरे के साथ क्या करें, शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें, सही है। तो हमको, हम ये जो भी कहानी सुन रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम इसको याद रखें और अपनी ज़िंदगी में इसके ऊपर अमल करें, सही है। आ चुके टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है, देर हो गई है, हम कहानी को भी यहीं खत्म करेंगे और वो एक्टिविटी आज नहीं करेंगे पेपर वाली, बल्कि हमने क्या कहा था पिछले जुमे को, ये कहा था कि अगर हम सलवार जितने ज़्यादा पढ़ते हैं, आज के दिन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। जुमे के दिन खासतौर पर हर दिन सवाब ज़्यादा है, लेकिन जुमे के दिन ज़्यादा है। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि जैसे आग पानी आग को बुझा देता है ना, क्या करता है, पानी आग को बुझाता है, उससे ज़्यादा जल्दी हमारे गुनाहों को सलवात ख़त्म कर देती है। तो हम आज क्या करेंगे, एक एक तस्बीह सब पढ़ेंगे सलवात की, दुरूद की, और एक तस्बीह 100 मरतबा सलवात पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप लोग अभी बच्चे हैं, आपने गुनाह नहीं किए हैं, है ना, और इंशाल्लाह बड़े होंगे जब भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है इंसान से और इंसान को नहीं भी पता, तो उसको ख़त्म करने का भी आसान तरीका ये है कि इंसान मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजे उन पर, और सबसे ज़्यादा सवाब जुमे के दिन है, सही है। बस आज हम क्या करेंगे, एक एक तस्बीह पढ़ेंगे और बहुत सारा सवाब कमाएंगे, सही है।